तो गाइस गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, हेडलाइट नहीं जल रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। इग्निशन हो चुका है ऑन, तो चलिए अभी हेडलाइट को जलाता है, क्या है प्रॉब्लम देखते हैं। वहाँ पे अपर लाइट आ गया, मतलब अपर से ही है, तो चलिए बाहर में जाके देख के आता है क्या है प्रॉब्लम। यहाँ पे तो हेडलाइट जल रहा है इधर, तो ये है प्रॉब्लम। यहाँ पे देख सकते हैं ये जल रहा है और ये वाला भी जल रहा है, लेकिन राइट साइड में सिर्फ यही जल रहा है, ये वाला नहीं जल रहा है, प्रोजेक्टर नहीं जल रहा है, तो यही है प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम, बल्ब खराब है ना वायरिंग में प्रॉब्लम है। खोल दिया मैंने बोनेट, हमको देखना है ये वाला बल्ब को, तो ये साइड, तो अभी हमको खोलना है ये वाला डस्ट कवर को और देखना है ये बल्ब खराब है ना। अच्छा है, देख सकते हैं ये खुल गया, ये रहा इसका सॉकेट कपलर, और ये देख सकते हैं बल्ब अंदर में, और ये लॉक को खोलेंगे हम, ये रहा लॉक, तो ये रहा बल्ब, देख सकते हैं हेडलाइट बल्ब, देख सकता है अंदर में जो तार जो दिखाई दे रहा है वो फ्यूज हो गया, देख सकते हैं इसमें डिस्कनेक्ट है, और ये हेलोजन बल्ब है, तो इसका वाट हो गया 55 और ये एच 7 है बल्ब। तो गाइस अभी देख सकते हैं मैंने न्यू बल्ब लेके आ चुका है, तो चलिए अभी इसको लगाता है। देखिए इसका फ्लेमेट अच्छा है, और जो अभी मैंने चेंज करना है इसका फ्लेमेट, आप देखिए देख सकते हैं ये ख़राब है, अंदर से फ्यूज है, तो चलिए अभी इसको लगा देते हैं इसका जगह पे, बल्ब का ही प्रॉब्लम था, तो अभी मैंने बल्ब को बिठा दिया इसका जगह पे, तो चलिए मैंने बल्ब को लगा दिया इसका जगह पे, अभी जला के देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी जल रहा है हेडलाइट, हाई बीम लो बीम, तो लेफ्ट साइड का भी जल रहा है, तो चलिए यही था प्रॉब्लम। और बल्ब का प्राइस कितना था, बल्ब का प्राइस था ये देखिए, तो ये रहा बल्ब का प्राइस। तो चलिए तो है बोनट को ऑफ का, यही था एक छोटा सा वीडियो, वीडियो को करते यही था एंड वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।